अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी भाभी बनाएंगी चावल की रोटी, तो ये मैं पूरी रेसिपी आपको दूंगी जिसके लिए हमने लिया है चावल का आटा। अच्छा, ये आप क्वांटिटी तो अपने हिसाब से ले सकते हैं। हमने इस वक्त 4 से 5 रोटी के लिए तकरीबन आटा ले लिया और इसके अंदर नमक भी डाल दिया है। अब इसको गूंदेंगी भी, और फिर रोटी किस तरह से बनेगी वो भी आपको जो है ना मैं दिखाती हूँ। आप इस पूरे मेथड को गौर से देखिएगा। जो हम गंदम का आटा यानी कि जो गंदम की रोटी बनाते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होता है, और जब ये चावल के आटे की रोटी बनाएंगे, ये पिसा हुआ मंगाया है हमने और यहाँ इजीली मिल जाता है। इस वक्त मैं अपने मामू के घर आई हुई हूँ और ये विलेज में रहते हैं, यहाँ पर हर चीज़ ये जो है आसानी से मिल जाती है, तो ये मंगा लिया। मंगाने के बाद अब इसकी जो है ना ये इसको गूंद के और फिर इसकी बनाएंगे रोटी। अब ये देखें, ये ऐसे हमने इसको इकट्ठा किया। इसके बाद हमने एक एक रोटी का आटा लेकर और उसको इस तरह से करना है। इसका पेड़ा नहीं बनाएंगे, वो जिस तरह हाथ में लेके हम गंदम की रोटी का पेड़ा बनाते हैं, इस तरह से पेड़ा नहीं बनाएंगे। देखें जी, इस तरह से इसका पेड़ा बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा लेके इसको हमने इस तरह से गूंदना है। एक एक रोटी का तवा हमने साथ के साथ गर्म होने के लिए रख दिया है, और अब हमने जो है थोड़ा सा घी डाला है इसके ऊपर, और देखें घी डालने के बाद इसको मजीद इस तरीके से, लेकिन करना हमने एक एक पेड़े को ही है, हम एक साथ सारे आटे को नहीं गूंद सकते और ना ही सारे आटे का एक साथ बना सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर इशू है, ये मक्खियाँ लगे, बहुत साफ करके सब बैठते हैं उसके बावजूद ये मक्खियाँ जो है बहुत परेशान करती हैं। अब इस पर इख्तियार नहीं है भाई, इसलिए आपको ओ मुसलसल एक हाथ नजर आएगा हिलता जुलता जो मक्खियां उड़ा रहे हैं। ये देखें, ये अब इसको ऐसे बना लिया पेड़ा, और अब ये हाथ की ही मदद से ये देखें फिर लगाया घी, और ये आपको पूरा क्लियर नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से ये हाथ की मदद से रोटी को बना रहे हैं। इसको हमने चकले बेलन से नहीं बनाना जैसे हम बेलन की मदद से बनाते हैं, इसको हाथ से बनाया है। ये इसको बनाने के बाद डाल दिया हमने तवे पर, थोड़ी सी खिल गई है, और इस रोटी को बड़े प्यार 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 से बनाते हैं, आराम आराम से। दिखा रोटी डालेंगे तो थोड़ा जो तवा है उसको सही से गर्म होना चाहिए। साइड पे हमने डाल दिया ये घी, और जब ये अच्छे से एक तरफ से सिक जाएगी, एक हमें अंदाजा हो जाता है, इसके बाद हम इसको टर्न करेंगे वरना ये रोटी जो है ये टूट जाएगी। ये देखें जी, इसको आप टर्न कर दिया है। मैंने आपको बताया ना कि तवा जो है वो गर्म होना चाहिए अच्छा सा, और उसके बाद जब एक तरफ से अच्छी सी सिक जाएगी तो इसके बाद हमने नहीं। ये जो है। अच्छा, आपको ये ऑब्जेक्शन ना कर दीजिए तो पराठा बन गया है इसकी जो ना ये रोटी, लेकिन ये है रोटी, आप रोटी कहो या पराठा कहो, बहल अब ये दूसरी तरफ से सिक जाएगा। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें, और इसको बहुत एहतियात से बनाना होता है हमने, वरना ये अभी आपको दिखाया था ना हाथ में कि हम अगर इसको तेज तेज बनाएंगे तो टूट जाएगी, और आराम से इसको पलटना होता है, और आराम से ही इसका पेड़ा बनाकर हमने इसको बनाना होता है। अब ये हम आपको दो तरह की बनाना बता रहे हैं, एक इस तरह से हमने घी लगा के इसको सेक लिया है, और एक अभी हम आपको दिखाते हैं बिना घी के। तो ये अभी सिक रही है, इसको जो ये इस तरीके से आटा गूंदते हैं वो रोटी, तो जब तक सिक रही है तो दूसरा पेड़ा भाभी तैयार करिए। इसको कहते हैं आटा आटा मथना, इस तरीके को कहते हैं आटा मथना, इसको आटा गूंदना नहीं कहते, इसको कहते हैं आटा मथना। अभी दूसरा पेड़ा भाभी रेडी कर रही है दूसरी रोटी के लिए। ये देखिए जी, ये रोटी अच्छी तरह से सीख गई है, अभी इसको उतार कर हम दूसरी रोटी बनाते हैं। ये देखिए, ये भी जो है ना इसको हाथ से ही बनाया, माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी बन गई है। अब इसको डालते हैं, ये वाली रोटी माशाल्लाह से बहुत अच्छी बन गई है, वो थोड़ा सा उसमें क्रेक आ गए थे,
और ये वाली रोटी अच्छी डाल दी है। इसको फौरी तौर पर आपने नहीं पलटना है वरना ये रोटी जो है टूट जाएगी। इसको अभी अच्छे से सिकने दें, इसके बाद इसको टर्न करना है। अब आप देखो इसको जब रोटी सिकेगी चारों तरफ से इस तरह से घुमाना है, आप तवे चिमटे की मदद से आप इसको इस तरह से कर लें क्योंकि आपको अंदाजा हो जाए। ये देखें जी, ये हमने रोटी को टर्न कर दिया और माशाल्लाह से कितनी अच्छी बनी है। इसको हम बगैर घी का बनाएंगे। एक हमने आपको घी की बनाकर दिखाई है, दूसरी आपको दिखाएंगे बगैर घी की। ये देखें, इसको भी टर्न किया दूसरी तरफ से, दूसरी तरफ से भी थोड़ी थोड़ी सीख गई है। इस रोटी को पकाने के लिए थोड़ा आपको जो है ना एक्सपर्ट होना पड़ेगा। दो तीन रोटियां आपकी बिगड़ेंगी फिर कहीं जाके आपकी जो है ना रोटी सही बनेगी। अभी तवा हटा के इसको सेक लेंगे। ये देखें जी, ये दोनों रोटियां बना ली हैं। एक हमने घी के साथ बनाई है, आप उसको पराठा भी कह सकते हैं, रोटी भी कह सकते हैं। दूसरी आपको तवे के ऊपर सेक कर दिखाई कि ये किस तरह से बनाई जाती है। इसमें ध्यान ये रखना है सारा आटा एक साथ नहीं गूंदेगा, एक एक रोटी आप बनाएंगे और एक एक रोटी को ही बनाकर आप सेकेंगे और आटा उसका जो मत्ते हैं वो एक एक रोटी का मत्ते हैं। आप ये देखेंगे माशाल्लाह से जो ये वाली रोटी बनी है ये कितनी अच्छी बनी है। उसमें फर्स्ट वाली में थोड़ा क्रेक आ गए थे लेकिन ये वाली रोटी माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है। तो ट्राई कीजिएगा ये चावल की रोटी। आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए और आप हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिए, साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।